हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 समर फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम पाकिस्तानी ब्रांड। मैंने इसको लिमिटेड रखा है पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर, ताकि अगर आप लोगों में से कोई भी चाहे तो इसको परचेज कर सकता है आराम से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, बट बिफोर मूविंग ऑन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ऑन नंबर 5th स्पॉट वी हैव खाडी ओसो एक्जॉटिक। खाडी ओसो एक्जॉटिक इज़ अ परफ्यूम विच इज़ स्वीट येट इट्स फ्रेश। The sweetness in this comes from cocoa and vanilla, and as the name suggests, oh so exotic. So it's an exotic perfume which is kind of like summer vacation type, and it has coconut in it, so it is perfect for summers. But because it's a sweet perfume, that's why I've put this on number 5th spot. And look at the bottle, it's a very pretty packaging. इस परफ्यूम की लॉन्गजेविटी भी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 8 से 10 घंटे ये आपके क्लोथ्स के ऊपर स्टे करता है। प्लस ये डे टाइम भी हो सकता है, नाइट टाइम भी हो सकता है, समर में एनी टाइम यू कैन वेयर इट। नॉर्मली फॉर्मल इवेंट्स के लिए नहीं है ये, आई मीन नाइट टाइम फॉर्मल इवेंट्स या कोई सेमिनार या प्रेजेंटेशन, इस तरह के इवेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट में, नॉर्मल ऑफिस एनवायरनमेंट में आप पहन सकते हैं एवरीडे कैजुअल उसके साथ। सो ऑन नंबर 4th स्पॉट वी हैव जे डॉट्स एम्बर लाइट। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्वीट एज कम्पेयर टू अदर फ्रेग्रेंसेज, बट इट इज़ फ्रूटी स्वीट, और इसमें जो नोट्स हैं वो हैं ग्रीन एप्पल की। ग्रीन एप्पल की नोट की वजह से ये काफ़ी स्वीट है और साथ में फ्रूटी भी है, तो इट्स अ वेरी गुड रिफ्रेशिंग फ्रूटी समरी फ्रेग्रेंस विद अ लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस इन इट। समर परफ्यूम्स में स्वीटनेस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये दोनों जिस तरह से फ्रेग्रेंसेज हैं बहुत बेस्ट हैं। वेरी यंग डे टाइम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दिस वन इज़। दोनों ही परफ्यूम्स जो अभी तक मैंने शो किए हैं उन दोनों की लास्टिंग बहुत अच्छी है। इस वाले परफ्यूम की लास्टिंग भी अराउंड 8 to 10 आवर्स है, विच इज़ आई थिंक मोर देन अनफ फॉर अ परफ्यूम। सो ऑन नंबर 3 वी हैव खाडी कराची 021 फ्रेग्रेंस। दिस आई हैव रिव्यूड रिसेंटली, तो मैं अपने जितने भी परफ्यूम्स का मैं जिक्र करी उन सब के मेरे अलग अलग रिव्यूज़ हैं, वो मैं आपको कार्ड्स ऊपर डाल दूँगी वीडियो में, तो आप उधर से उसकी डिटेल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। सो खाडी कराची, दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेगरेंस, वेरी गुड समर फ्रेगरेंस। बेसिकली इट्स अ फ्रूटी फ्रेगरेंस और फ्रूटी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें जो फ्रूट्स हैं वो भी काफ़ी डीप और काफ़ी टैंगी या सिट्रसी फ्रूट्स कह लो, बगम और इस टाइप के फ्रूट्स हैं। वेरी एक्वेटिक, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी फ्लोरल, इस तरह की फ्रेगरेंस है ये। थोड़ी सी मस्की और एयरी भी है फ्लावर्स में, इसके अंदर जो मैग्नोलिया है, दिस इज़ ऑसम। अच्छा, नॉट टू फॉरगेट, इस फ्रेगरेंस के अंदर जो ब्लैक करंट है वो बहुत हैवी है, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी लग सकता है, और वो ब्लैक करंट की इतनी हैवीनेस की वजह से थोड़ा सा ये स्पाइसी हो जाता है, फिर भी बहुत अच्छा समर फ्रेगरेंस है। जितने भी इसके टॉप नोट्स में फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे ही, उनमें से कोई भी स्वीट फ्रूट नहीं है, तो ये स्वीट फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है, फ्रूटी फ्लोरल है, लेकिन फ्रूट्स जो हैं वो नॉन स्वीटन फ्रूट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, इसीलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है, तो यू कैन इमेजिन इट्स अ वेरी गुड फ्रेगरेंस। लास्टिंग भी इसकी बहुत पावरफुल है, और इसकी प्रोजेक्शन नॉर्मल है, मीडियम है, लेकिन जब मैं इसको वेयर करती हूँ तो आई फील कॉन्फिडेंट, और बहुत ज़बरदस्त समर फ्रेगरेंस है। इट इज़ लाइक के समर के लिए ही बनी है, तो आप जब इसको वेयर करेंगे तो यू विल फील के मैंने बिल्कुल मौके के हिसाब से फ्रेगरेंस लगाई हुई है। सो ऑन नंबर 2 स्पॉट वी हैव सफ़ायर्स डायमंड परफ्यूम। ये सफ़ायर का डायमंड परफ्यूम मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये एक अच्छे ब्रांड के परफ्यूम का ड्यूप भी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये डायमंड परफ्यूम भी फ्रूटी फ्लोरल और काइंड ऑफ नॉन स्वीटेंड फ्रूट्स के साथ है। यूजो आइस का एक इसके अंदर नोट है, बहुत ज़बरदस्त टॉप नोट्स हैं इसकी, और बगमॉट जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, और इसकी जो मिडिल नोट्स हैं वो हैं सारी फ्लोरल। बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, आई रियली लाइक दिस फ्रेगरेंस। इसके अंदर जो फ्लोरल्स हैं वो सारे रिफ्रेशिंग और वाटरी काइंड ऑफ एक्वेटिक वाले फ्लोरल्स हैं, बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस वाले, लाइक पियनीज हैं, इसके अलावा लोटस है, इसके अलावा मैग्नोलिया है। फिर इसकी जो बेस नोट्स हैं वो भी वाइट मस्क और एम्बर है, तो बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है ये, बिल्कुल परफेक्ट है समर के हिसाब से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर है,
अच्छा, एक और परफ्यूम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी जो कि इस वाले परफ्यूम सफ़ायर डायमंड से बिल्कुल सिमिलर है, तो वो है बोनेंजा का प्योर रोमांस। अब बोनेंजा प्योर रोमांस मैंने इसमें शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस कर रही थी पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत सिमिलर है और सफ़ायर डायमंड की फ्रेग्रेंस खाड़ी 021 से भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। लेकिन बोनेंजा प्योर रोमांस जो है वो तो काफ़ी काफ़ी बिल्कुल ही तकरीबन सेम है। आई लाइक बोथ ऑफ दीज, बट मैंने उसमें से डायमंड को सेलेक्ट किया बिकॉज इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और रिसेंटली सफ़ायर डायमंड की बॉटल चेंज हो चुकी है, न्यू पैकेजिंग इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। जो और ये रीस्टॉक भी हो चुका है, वेबसाइट पर भी है, जिन लोगों को परचेस करना है अभी जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग में आया है अभी ये, और मुझे पर्सनली मैं पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं ये हो रहा है कि मुझे नई पैकेजिंग वाला भी ख़रीदना है, बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट बाय इट। डे टाइम में भी इसको वेयर कर सकते हैं और नाइट टाइम के लिए भी ये सूटेबल है। इसके अलावा नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए भी यूज़ हो सकता है और फॉर्मल इवेंट्स के लिए भी बेस्ट सूटेड है। सो इट्स एन ऑल राउंडर काइंड ऑफ परफ्यूम, आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। सो ऑन नंबर वन स्पॉट इन माई लिस्ट ऑफ बेस्ट समर फ्रेग्रेंसेज इज़ जे डॉट्स फ्लोरा। जे डॉट का ये परफ्यूम मेरा बेस्ट है अब तक के सारे परफ्यूम्स में, जितने भी मैंने पाकिस्तान के ब्रांड्स ट्राई किए हैं उन सब में, सारी रेंजेस में सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस है ये। सबसे सिंपल है और सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस है, फॉर्मल इवेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, क्लासी फ्रेग्रेंस है। इसकी नोट्स की अगर बात करें तो सिर्फ 3 नोट्स हैं इसमें, रोज़, जैस्मिन और मस्क, लेकिन उसको इन्होंने किस तरह से बैलेंस किया है कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है कि मैं मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये फ्रेग्रेंस, मेरी फेवरेट है। आप इसको अगर एक दफ़ा स्निफ करेंगे, एक बार स्मेल करेंगे तो बस आपका दिल चाहेगा कि आप परफ्यूम की बॉटल लेके बैठे रहें और आप उसको बस सूंघते ही जाएँ, इतनी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है इसकी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और डे टाइम के लिए भी अच्छी है, लेकिन नाइट टाइम इवेंट्स के लिए, समर के नाइट टाइम इवेंट्स के लिए बेस्ट है ये फ्रेग्रेंस। फॉर्मल इवेंट्स के लिए, कोई इवेंट है अगर आपका नाइट टाइम में, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है ये। इसके अलावा अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम के हिसाब से काफ़ी हैवी है, लेकिन ये ऑफेंसिव नहीं है, तो डे टाइम में भी ये चलती है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो रोज़ और जैस्मिन है। जैस्मिन इसको डे टाइम के लिए सूटेबल बनाता है और रोज़ इसको नाइट टाइम के लिए भी सूटेबल बनाता है। और इसके साथ है इसमें मस्क जो कि इसको एयरी बनाती है, तो बहुत क्लासी, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। एक और चीज़ इसमें जो रोज़ है वो मैंने और किसी फ्रेग्रेंस में जितने में भी रोज़ होते हैं वो इस तरह का रोज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रोज़ है इसमें। दिस वन इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, इसीलिए मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट पे है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कमाल की है, इसकी जो लास्टिंग और लॉन्गजेविटी है वो भी ज़बरदस्त है, इवन आपके ड्रेस में से, आपके क्लोथ्स में से एक दिन बाद तक इसकी स्मेल आती रहती है। तो आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। ये मेरा ऐसा परफ्यूम है कि अगर मुझे कभी कुछ ना समझ में आ रहा हो कि कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए तो मैं यही वाला परफ्यूम लगाती हूँ, कि इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। और इसमें कोई डिसाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर इवेंट के लिए, हर मौके के लिए, हर सीज़न के लिए बेस्ट है ये। इवन मैं अभी तो समर फ्रेग्रेंस की बात हो रही है, लेकिन इवन अगर विंटर में भी आपको नाइट टाइम इवेंट में इसको वेयर करना हो तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। ये तो हमारी टॉप 5 समर फ्रेग्रेंस की लिस्ट हो गई है, लेकिन अब मैं आपको 2 परफ्यूम्स ऐसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि समर्स के लिए बेस्ट हैं, और लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तानी फ्रेग्रेंस की रेंज में नहीं थे इसलिए मैंने उसको इसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन अब मैं उसको सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी अच्छे समर फ्रेग्रेंस हैं जो कि आप वेयर कर सकते हैं। तो वो 2 परफ्यूम्स हैं, जुवान ब्लैक मस्क और एनशांटियो एल्यूरिंग। जुवान ब्लैक मस्क की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ मस्क की फ्रेग्रेंस, मगर इसकी टॉप नोट फ्रूटी हैं जिसमें पोमेग्रेनेट है, और इसके अलावा वनीला और पचुली के साथ है ये, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है समर के हिसाब से। आई रियली लाइक दिस वन, सो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। पाकिस्तान में इसका और डी कोलोन अवेलेबल है, और डी परफॉर्म नहीं है ये, तो इसकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी, ईजीली अवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा ये वाला परफ्यूम। द नेक्स्ट वन आउट ऑफ दीज 2 इज़ एनशांटियो एल्यूरिंग, विच इज़ अ वेरी फ्लोरल पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। आई रियली लव दिस पाउडरी फ्रेग्रेंस, इसमें वायलेट्स हैं, आयरिस है, इसके अलावा वनीला है इसकी बेस नोट्स में, तो ये जो पाउडरी है ये वायलेट्स और आयरिस की वजह से पाउडरी है, और मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाकिस्तान में इसका
परफ्यूम अवेलेबल नहीं है इतना इजीली, लेकिन इसका बॉडी स्प्रे आपको हर जगह से मिल जाएगा, तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करती हूँ। जो लोग बॉडी स्प्रे लगाते हैं वो लोग इसका बॉडी स्प्रे ख़रीद के अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर परफ्यूम आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। बहुत मेरी फेवरेट परफ्यूम है ये, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। आई डेफ़िनेटली रिकमेंड दिस वन। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और जो मैंने इसमें परफ्यूम मैंशन किए वो आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट समर परफ्यूम कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।